बहुत सारे लोगों के, चाहे वो लेडीज हो या वो जेंट्स हो, उनके अपर जो बेली फैट होता है उसमें बेलन दिखाई देने लगते हैं जब वो बैठते हैं, खड़े होते हैं, या कोई टाइट ड्रेस जब आप पहनते हो तो वो बेलन अलग ही दिखाई देने लगते हैं। अपर बेली फैट को कैसे कम करें, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज आज मैं लेकर आई हूँ, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने अपर बेली फैट को इजीली आप कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो इस तरह की उनका गोल आकार का जो पेट दिखाई देता है, तो उसको कैसे कम करना है, आज की एक्सरसाइज उन लोगों के लिए ही है जिनका गोल आकार का पेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थी टीम आपका स्वागत है। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए डाइट का तो ध्यान रखना आपने बहुत ज्यादा जरूरी है, चीनी वाली चीजें नहीं खानी। इसके साथ ही मतलब ये तो सबसे से सुना होगा कि चीनी ज्यादा नहीं खानी, मीठा ज्यादा नहीं खाना, लेकिन नमक भी बहुत ज्यादा नहीं खाना होता। हर वक्त नमक 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 की चीजें मुंह में डालते रहना, ये भी कारण बनता है कि फैट बढ़ता ही जाता, फैट कम नहीं होता। क्योंकि नमक ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा पानी हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है, तो इसलिए नमक भी आप लिमिट में ही खाएं, जितना जरूरी उतना ही खाएं। जरूरत से ज्यादा अगर नमक खाते हैं तो वो भी कारण बनता है आपके मोटापे का या आपके बेली फैट का। जरूरत से ज्यादा चाय कॉफी, जरूरत से ज्यादा बहुत गर्म चीजें खाना, तो ये भी कारण बनता है कि बेली फैट ज्यादा बड़ा हो जाता है, बाकी चीजें कम रहती हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। और अगर हाँ आपको डाइट प्लान लेना है, सही डाइट जाननी है, तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नंबर वन एक्सरसाइज जो कि आपके खास करके अपर बेली फैट को कम करती है, देखिए आप इस तरीके से खड़े हैं, आप ऐसे साइड में जाएंगे एक दो कदम और ऐसे हाथों को उठा के इस तरीके से करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड जाएंगे, हाथों को उठा के इस तरीके से करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, इस तरीके से जाइए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। तो हम करेंगे 50 रेपिटेशन का एक सेट होगा, और आपको कम से कम दो दो सेट करने हैं, एक सुबह करना है, एक दोपहर, एक शाम को करना है। यानी अगर आप बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हैं, तो ये बातें हैं, फिर आप कितना भी आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है आप जरूर कम कर लेंगे, और जितना भी कम करना चाहते उतना करेंगे। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाथों को सर के पीछे रखेंगे ऐसे, अब एक लैप को उठाएंगे इस तरीके से, और उठा के रखना है ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरीके से। अब ऐसे ही अपनी दूसरी लेग से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने दो से तीन सेट करने हैं, जैसे टेन रेपिटेशन का एक सेट हो गया, टेन रेपिटेशन इस साइड, टेन रेपिटेशन इस साइड, ये हुआ एक सेट। एक सेट आप अगले टाइम में करेंगे नेक्स्ट टाइम में, और एक सेट रात को सोने से पहले। थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में आप हाथों को इस तरीके से रखिए, आप इस तरीके से स्क्वाट की पोजिशन में आ जाइए ऐसे, और अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को घुमाना है, रोटेट करना है इस तरीके से ऐसे, देखिए कैसे कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और ज़्यादा फास्ट करना है इस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो पहले स्लो स्लो करना है, थोड़ा सा और फास्ट करना है, फिर ज़्यादा फास्ट करना है, बहुत अच्छा असर आएगा स्पेशल आपकी इस वाले एरिया पे, सारे एरिया पे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा आएगा जब आप करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा इस वाले एरिया पे कितना ज़्यादा इफेक्ट आपको महसूस हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इसको उठाएंगे और ऐसे तीन बार
मतलब आपको टैप करना है अपनी लेग के नीचे से, देखिए कैसे, ऐसे 1 2 3, फिर नेक्स्ट ऐसे ही 1 2 3, ये 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, टोटल 10 रेपिटेशन हमने कर लिए हैं। इस तरीके से आपने भी करने हैं, तो 3 सेट आपने कंप्लीट करने हैं 10 रेपिटेशन के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से आप लेग ओपन करेंगे और ऐसे अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को आपस में पकड़ना है और जब हम बैठेंगे तो ऐसे हाथों को स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से, ऐसे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और लेग खोल लीजिए, एडी भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, पैर भी इस तरीके से, तो ऐसे 1 2 3, हाथों को सीधा खोल भी सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो मैं और भी आपके साथ कर सकती थी लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। यह हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले हाथों को आप ऐसे रखेंगे इस तरीके से और अपनी इस लेग को अपोजिट साइड में ऐसे उठाएंगे हल्का सा तिरछा करके, और ऐसे करेंगे कम से कम 10 रेपिटेशन, इसको उठाएंगे और वापस रखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, इस तरीके से कर लीजिए, तान लीजिए अपने हाथों को ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप करेंगे ना इस वाले एरिया पे बहुत इफेक्ट नज़र आता है, मतलब बहुत ही आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत खिंचाव महसूस होगा, तो जब आप करेंगे बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसी तरीके से हम दूसरी साइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और देखो कितना पसीना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ चला नहीं सकते, नहीं तो फिर आवाज़ घूमती रहती है, इसलिए हम सब चीज़ें बंद कर देते हैं तब वीडियो शूट करते हैं और इतनी देर में ही पसीने में नहा लेते हैं। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।